नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के वो क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगे। और दोस्तों, आपने देखा होगा जो फीमेल कॉन्स्टेबल का एग्ज़ाम हुआ है उसमें सारे क्वेश्चन हमारी वीडियो से पूछे गए हैं, तो आने वाले जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो भी सारे इसी इन्हीं वीडियो में से पूछे जाएंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो वो भी ज़रूर देखें। और दोस्तों, यदि आपको इसकी PDF बिल्कुल फ्री में चाहिए तो आप इस वीडियो का लिंक किसी भी 5 ग्रुप में शेयर करें, उसके बाद वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक करें और इस PDF को बिल्कुल फ्री में डाउनलोड करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज का जो पहला क्वेश्चन है, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, CPU का कार्य निष्पादन प्राय मापा जाता है, तो ये मापा जाता है MIPS में। पर MIPS क्या होता है? मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, यानी एक सेकंड में कंप्यूटर या CPU कितने मिलियन इंस्ट्रक्शन पर कार्य कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, हार्ड डिस्क में एक हार्ड डिस्क खाली स्थान में एक छोटा कार्यक्रम चलाता है जब आप कंप्यूटर प्रारंभ करते हैं। तो जब कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो हार्ड डिस्क है वो किस में एक छोटा जो प्रोग्राम है वो चलाता है, तो वो चलाता है बूट अक्षेत्र में। किस में? बूट एरिया में चलाता है। हार्ड डिस्क बूट अक्षेत्र में एक छोटा सा कार्यक्रम चलाता है जब सिस्टम को आरंभ किया जाता है, तो इस कार्यक्रम का कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर की मेमोरी में लोड करना तथा सभी उपकरणों के लिए पावर सप्लाई चेक करना होता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर हार्ड ड्राइव पर सिस्टम रैंडम एक्सेस मेमोरी के बैकअप के रूप में जो स्थान कार्य करता है तो वह कौन सा होता है? कंप्यूटर हार्ड ड्राइव पर सिस्टम रैंडम एक्सेस मेमोरी के बैकअप के रूप में जो स्थान कार्य करता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं वर्चुअल मेमोरी। कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में कंप्यूटर की वर्चुअल मेमोरी है वो क्या होती है? कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है, डिस्क ड्राइव के रीड राइट हेड को डिस्क पर निर्दिष्ट स्थान पर ले जाने के लिए लगने वाला वांछित समय कितना होता है? जो वांछित समय होता है उसे क्या कहते हैं? ये पूछा गया, डिस्क ड्राइव के रीड राइट हेड को डिस्क पर निर्दिष्ट स्थान पर ले जाने के लिए लगने वाले वांछित समय को क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं सीक टाइम। क्या बोलते हैं? सीक टाइम बोलते हैं। सीक टाइम वह टाइम है जो रीड राइट हेड को वांछित डाटा तक ले जाने में समय लगता है। और यह क्वेश्चन HSC पहले पूछ चुकी है ग्राम सचिव के एग्जाम में। अब हम पढ़ेंगे डिजाइनिंग टूल और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस भाषा में लिखे गए प्रोग्राम पर कंप्यूटर सबसे तेज गति में कार्य करता है? तो कौन सी भाषा है जिसमें कंप्यूटर सबसे तेज गति में कार्य करता है? तो वो होती है मशीनी भाषा। मशीन लैंग्वेज या बाइनरी भाषा को कंप्यूटर सीधा समझ सकता है तथा अन्य सभी भाषाओं को कंप्यूटर पहले मशीनी भाषा में बदलता है तथा उस पर कार्य कर सकता है। तो इसलिए जो मशीनी भाषा में लिखा गया प्रोग्राम है वो सबसे तेज गति में कंप्यूटर पर चलता है। अगला क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सी भाषा सबसे ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है? सबसे ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है वो कौन सी लैंग्वेज है? तो वो है हाई लेवल लैंग्वेज, यानी कि उच्च स्तरीय भाषा। उच्च स्तरीय भाषा सबसे ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है क्योंकि इसमें कोड को दैनिक प्रयोग में आने वाली भाषा से मिलती जुलती भाषा जैसे अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो इन भाषा को सीखना तथा प्रयोग करना बिल्कुल आसान होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रथम प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है? तो सबसे पहली जो प्रोग्रामिंग भाषा है वो कौन सी है? तो वो है फोर्ट्रॉन। यदि आपसे पूछा जाए कि इसका विकास है वो कब किया गया, तो कब विकसित की गई थी? ये की गई थी सन 1957 में। इसके बाद आई थी कोबोल जो कि 1959 में आई थी। तो सबसे पहली पूछी जाए तो वो फोर्ट्रॉन थी, और फोर्ट्रॉन की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है तो वो क्या होती है? फॉर्मूला ट्रांसलेशन। फॉर्मूला ट्रांसलेशन लैंग्वेज को प्रथम प्रोग्रामिंग भाषा माना गया था, और इसका विकास 1957 में किस कंपनी ने किया था? IBM ने। IBM 704 कंप्यूटर के लिए किया गया था। और किसने किया था फोर्ट्रॉन भाषा का विकास किया था? जॉन बेकस ने। तो ये भी आपसे पूछा जाएगा, याद रखें फोर्ट्रॉन सबसे पहली लैंग्वेज है और इसका विकास 1957 में IBM 704 कंप्यूटर के लिए किया गया था, और सर जॉन मेकस के द्वारा ये किया गया था। अगला क्वेश्चन है, ASCII ASCII की फुल फॉर्म पूछी गई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। क्या
क्या होती है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ASCII की फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड फॉर कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, जो कि हर करेक्टर की ASCII वैल्यू निर्धारित की गई है। जैसे क्या है, ए की वैल्यू है 65, बी की 66 और ए स्मॉल ए 97 है, स्मॉल बी 98 है, इसी तरह 0 की 48 है, 1 की 49 है। ये जो लैंग्वेज पढ़ते हैं उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आप ये एक दो चीज़ें याद कर सकते हैं। यदि SSC पूछती है तो आपसे मैक्सिमम ए या बी, स्मॉल ए बी या 1 2 तक ही पूछ सकती है। तो आप याद रखें, ए को 65, बी 66, आगे ये चलती रहेगी, यानी कि ए है वो 65 से शुरू होता है और आगे ये चलता रहेगा जेड तक, 67 8 9 ऐसे चलेगा, और स्मॉल ए है वो 97 से शुरू होगा, आगे चलता रहेगा, और जीरो है वो 49 से शुरू होता है, 0 48 1 49 है, तो ये भी आगे चलता रहेगा। और जो ASCII है वो हर करेक्टर को पहचानता है, किससे पहचानता है, इस मान से पहचानता है। अगला क्वेश्चन क्या है, असेंबलर में से क्या है? असेंबलर पूछा गया, तो असेंबलर क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है। असेंबलर एक सॉफ्टवेयर है जिसकी सहायता से असेंबली भाषा को हम मशीनी भाषा में बदल सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य पूछा है, गलत कौन सा है। सबसे पहले नंबर पे देख लेते हैं क्या है, असेंबलर असेंबली भाषा को बाइनरी भाषा में बदलता है। तो बाइनरी भाषा कौन सी है, मशीनी भाषा और बाइनरी भाषा सेम ही होती है, तो इस ये चीज़ बिल्कुल सही है, असेंबलर है वो असेंबली भाषा को बाइनरी या मशीनी भाषा में बदलता है, सही है। दूसरे नंबर पे असेंबली भाषा में लिखा गया प्रोग्राम लिखना मशीनी भाषा में लिखने से आसान होता है। तो जो असेंबली लैंग्वेज में जो प्रोग्राम राइट करते हैं हम, वो मशीनी लैंग्वेज से आसान होता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, असेंबली भाषा में लिखा गया प्रोग्राम कंप्यूटर सीधा समझ सकता है? तो ये हमने अभी भी पढ़ा था, कंप्यूटर सिर्फ मशीनी लैंग्वेज को समझता है, असेंबली लैंग्वेज को नहीं समझता, तो यही गलत हो जाएगा। डी नंबर पे क्या पूछा बोला गया, असेंबली भाषा तथा मशीनी भाषा दोनों निम्न स्तरीय कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है, तो ये दोनों लो लेवल लैंग्वेज है, बिल्कुल सही बात है, ये असेंबली और मशीनी भाषा दोनों निम्न स्तरीय कंप्यूटर भाषा है, तो इसका सी को है सी ऑप्शन वो गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, कंपाइलर का प्रयोग किया जाता है? तो कंपाइलर का प्रयोग है वो किसके लिए किया जाता है, तो ये किया जाता है प्रोग्राम को मशीनी भाषा में बदलने के लिए, क्योंकि कंप्यूटर केवल मशीनी भाषा में लिखे गए कोड को सीधा समझ सकता है, तो कंपाइलर उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीनी भाषा में बदलता है, तभी कंप्यूटर उस पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, इंटरप्रेटर के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो इंटरप्रेटर के बारे में पूछा गया है कि कौन सा कथन इसमें सत्य है, तो देख लेते हैं इंटरप्रेटर के बारे में। तो इंटरप्रेटर के बारे में ये बी ऑप्शन है कि यह प्रोग्राम के एक के बाद एक लाइन को मशीनी भाषा में बदलता है। अभी हमने जो कंपाइलर के बारे में पढ़ा था, कंपाइलर क्या करता है, उस स्तरीय भाषा में लिखे प्रोग्राम को मशीनी भाषा में बदलता है। तो ये क्या करता है, कंपाइलर कंप्लीट जो लैंग्वेज होता है कंप्लीट को एक साथ कन्वर्ट कर देता है, लेकिन यदि बात करें इंटरप्रेटर की तो ये लाइन बाय लाइन चेंज करता है। याद रखें, ये भी आपकी उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है, प्रोग्राम को मशीनी लैंग्वेज में बदलता है, और ये भी बदलता है, लेकिन कंपाइलर वो एक साथ बदलता है और इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन चेंज करता है, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, कंपाइलर क्या है? तो कंपाइलर क्या है, कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर है, ये हमने अभी पढ़ा है। अगला क्वेश्चन है, उच्च स्तरीय भाषा जावा कब बनी थी? तो जावा है वो कब बनी थी ये बताना आपको, और आपसे ये पूछा जा सकता है जावा कैसी लैंग्वेज है, तो ये हाई लेवल लैंग्वेज है, उच्च स्तरीय भाषा है। तो जावा कब बनी थी, सन 1995 में माइक्रो सिस्टम में इसे जेम्स गोसलिंग द्वारा बनाया गया था। जावा को किसने बनाया था, जेम गोसलिंग। कंप्यूटर के निर्माण में शुरुआती समय में कंप्यूटर में किस भाषा का प्रयोग करते थे? तो जब कंप्यूटर का निर्माण किया गया तो सबसे पहले कंप्यूटर में कौन सी लैंग्वेज का यूज होता था, ये पूछा गया, तो ये होता था मशीनी लैंग्वेज का, मशीनी भाषा का यूज होता था। कंप्यूटर केवल मशीनी लैंग्वेज को समझ सकता है तथा इसी पर कार्य कर सकता है, अतः कंप्यूटर बना तब इसकी प्रोग्रामिंग के लिए इसी भाषा का प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन है, कौन सी भाषा या लैंग्वेज बिना अनुवाद के सीधे तौर पर कंप्यूटर समझ सकता है? तो ये आप समझ सकते हैं, बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है, मशीनी लैंग्वेज है जिसको कंप्यूटर सीधा समझ सकता है, पर अन्य सभी भाषाओं को कंप्यूटर द्वारा प्रोसेसिंग से पूर्व मशीनी भाषा में बदलना पड़ता है। आप दूसरी कोई भी लैंग्वेज कंप्यूटर को दोगे तो वो पहले मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। इनमें से कौन कंप्यूटर भाषा नहीं है? तो कंप्यूटर की भाषा कौन सी नहीं है ये पूछा है। सबसे पहले क्या, इंटरमीडिएट लेवल भाषा,
लो लेवल भाषा, हाई लेवल भाषा, तो जो लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर में होती है लेकिन इंटरमीडिएट नहीं होती, लो रही होती है, इंटरमीडिएट है वो कंप्यूटर में नहीं होती, तो ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इंटरमीडिएट लेवल भाषा एक कंप्यूटर भाषा नहीं है, इंटरप्रेटर सोर्स प्रोग्राम की इंटरमीडिएट भाषा में बदलता है जो बाद में मशीनी भाषा में बदल जाता है, और विजुअल बेसिक तथा जावा मुख्य रूप से इंटरमीडिएट लेवल की भाषा बनाते हैं। इसके अलावा बात करें MICL की, तो माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज इसकी फुल फॉर्म होगी, इसका प्रयोग करते थे कौन, माइक्रोसॉफ्ट। और CIL है वो कौन सी है, कॉमन कॉमन इंटरमीडिएट लैंग्वेज, CIL की फुल फॉर्म पूछी जाए तो कॉमन इंटरमीडिएट लैंग्वेज, और C#P नहीं आएगा तथा .NET इसका प्रयोग करते हैं। ये देखो सेम चीज़ दोबारा पूछी गई है, MSIL का पूर्ण रूप क्या है, सॉरी MICL नहीं है, MSIL है, मैंने MICL बता दिया था, तो MSIL की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज, माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज। जावा में जो है इंटरप्रेटर सोर्स कोड को MICL में बदलता है जो कि एक प्लेटफॉर्म डिपेंड कोड होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो हम यहीं तक रखेंगे, और आपके आने वाले एग्ज़ाम जो SI के और कॉन्स्टेबल के एग्ज़ाम है उससे पहले हम कंप्लीट कंप्यूटर करवा देंगे आपको। यदि आप ये सारी वीडियो देख लेते हैं तो आपके कंप्यूटर के 10/10 100% आएंगे, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो आप डेली इस क्लास को ज़रूर अटेंड करें, और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो वो भी आप ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।